गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड दिस इज चैप्टर 3 द नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड दैट इज ए नाउन इज अ नेम, यानी कि किसी भी वर्ड को अगर हम नेम दे देते हैं तो वही नाउन होता है, यानी कि नेम ही नाउन होता है। डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या थिंग का नेम होता है तो हम उसे नाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के टाइप्स देखिए, 5 टाइप्स के होते हैं नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइप नंबर 1, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज अ नेम विच कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि कॉमन नाउन हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को अगर कोई नेम देते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए, पर्सन, पर्सन में बॉय भी आता है, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पर्सन है। अब हमने सिर्फ अगर हम पर्सन बोलेंगे तो पर्सन में हमने बोल दिया बॉय, बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता है कि कहाँ है, कौन है, नहीं पता है, तो इसलिए हम बॉय को कॉमन नाउन बोलेंगे। वुमेन, वुमेन का हमें नेम नहीं पता है कि एग्जैक्ट इनका नेम क्या है, तो इसलिए हम वुमेन को कॉमन नाउन कहेंगे। अभी अगर हम इसको इसका नेम दे देंगे, इसका जो पर्टिकुलर नेम होगा, जो इसका एग्जैक्ट नेम होगा, वो नेम अगर हम इस वुमेन को या बॉय को दे देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जैसे देखिए, थिंग्स, थिंग्स बुक, बुक आ गई थिंग्स में, पेंसिल, टेबल, ये सब क्या है, थिंग्स, यानी कि थिंग्स के नेम्स हैं। तो पर्सन के नेम या थिंग के नेम कॉमन नाउन होते हैं। एंड प्लेसेस, देखिए प्लेस, प्लेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्कूल, जू, ये चीज़ें प्लेस की हैं या सिटी। अब हमें ये तो पता है कि स्कूल है, जू है या सिटी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा स्कूल है, जू का नेम क्या है या सिटी का नेम क्या है, तो वो अभी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इन वर्ड्स को कॉमन नाउन में रखेंगे। एंड नेक्स्ट, एनिमल, एनिमल जैसे डॉग, काउ, हॉर्स, एनिमल्स को हमने नेम दिए हैं, यानी कि जो डॉग, काउ, हॉर्स, ये सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। हमारे पास जब तक इनका प्रॉपर नेम नहीं होगा तब तक ये कॉमन नाउन में रहेंगे। और नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर अगर हम नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे देखिए, हम पहले पर्सन का ले लेते हैं, बॉय, बॉय है, अभी बॉय कॉमन नाउन है, अगर हम इसको इसका पर्टिकुलर नेम, जो इसका एग्जैक्ट नेम है वो दे देंगे तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे बॉय का हमने नाम दिया राकेश, अब ये इसका प्रॉपर नेम हो गया, यानी कि बॉय को, बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हमने उसका नेम दे दिया राकेश, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि प्रॉपर नेम ही प्रॉपर नाउन होता है। और जैसे स्कूल, प्लेस लेते हैं हम, प्लेस में हमने लिया स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे होते हैं तो इसलिए अभी ये कॉमन वर्ड है, तो अगर हम इस स्कूल का नेम लिख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नेम हो गया, इनकी स्कूल, इस स्कूल का प्रॉपर नेम मिल गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, क्लियर। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन कंसिडर्ड एज अ वन ग्रुप, यानी कि कलेक्टिव नाउन
वे नेम होते हैं जब हम पूरे एक ग्रुप को, ग्रुप का एक नेम दे देते हैं। जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उस ग्रुप को अगर हमने एक नेम दे दिया तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे देखिए सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स मिल जाते हैं, तो जब बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है तो हम उसको बोल देते हैं एन आर्मी। क्या बोल देंगे? एन आर्मी, यानी कि सोल्जर्स का ग्रुप मिलकर के एक वर्ड बन गया आर्मी। तो हम यहाँ तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो जब हमने इस ग्रुप को नेम दे दिया एन आर्मी, यानी कि एक आर्मी, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी कि हमने बहुत सारे पर्सन्स को कलेक्ट करके एक नेम दिया है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी कीज हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारी कीज हैं या आई हैव मैनी कीज, तो हम बोल देंगे उसका एक ग्रुप का नेम लिख देंगे, जो उस की के ग्रुप को बोलते हैं बंच। तो हम सिर्फ बोल देंगे आई हैव अ बंच, बंच यानी कि बहुत सारी चाबियां। तो हम नहीं बोलेंगे आई हैव मैनी कीज, यानी कि मेरे पास बहुत सारी कीज हैं, नहीं, हम वो नहीं बोल करके बोलेंगे आई हैव अ बंच, कि मेरे पास एक बंच है, बंच यानी कि एक चाबी का गुच्छा। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि हमने पूरा पूरे बहुत सारी चाबियों को मिला करके एक वर्ड बना दिया बंच, यानी कि चाबी का गुच्छा। तो ये होंगे मटेरियल नाउन। क्लियर? नेक्स्ट मटेरियल नाउन देखिए, ए मटेरियल नाउन इज थिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और इज यूज टू मेक अदर थिंग्स। यानी कि मटेरियल नाउन वे वो चीज़ें होती हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं, और या हम उन चीज़ों को किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन, वीट, वुड, गोल्ड। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड हमें अर्थ से मिलता है, वीट, वीट भी हम ज़मीन में बोते हैं तब वो पूरा कंप्लीट होता है, तैयार होता है वीट, यानी कि हमें ज़मीन से ही मिलता है, अर्थ से मिलता है। वुड, वुड ट्री से मिलती है, और ट्री कहाँ होता है? अर्थ में। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बनाते हैं, जैसे कॉटन है या हनी या सीमेंट, ये सब चीज़ें हैं, यानी कि ये हमें, हम इनका यूज़ करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होंगी। क्या? नॉन लिविंग थिंग होंगे, मटेरियल नाउन में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो, या हम किसी भी चीज के लिए हम, या एज अ सामग्री हम यूज करेंगे, तो वो मटेरियल नाउन्स होंगी। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे वर्ड होते हैं जिसमें हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, एक्शन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, फीलिंग या आइडिया के बारे में बताते हैं। या आइडिया या फीलिंग जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी, जैसे ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, क्वालिटी हो गई है गुडनेस यानी कि अच्छाई, ग्रीड लालच, ग्रीडी लालची। तो ये क्वालिटी हो गई कि पर्सन गुडनेस है, अच्छा है, बुरा है, या लालची है, या क्लेवर है, तो ये सब क्वालिटी हो गई। एक्शंस जो हम करते हैं, जैसे हम फ्लाई आंसर दिया किसी को तो वो एक्शन हो गया, कुछ एक्टिविटी हमने की, नहीं कुछ भी हमने काम किया, एक्शन किया, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। या हम अपनी फीलिंग बताएंगे कि ये ब्यूटीफुल है या अगली है या बैड है, वो हमारी फीलिंग्स होंगी, तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। इनके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और फीलिंग के बारे में बताते हैं, वही वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर? नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। देखिए इन द फॉलोइंग टेबल्स वी हैव रिटन वन प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन, यू हैव टू ऐड वन मोर टू ईच कैटेगरी। यहाँ पर आपको टेबल बनी हुई है, कॉमन नाउन दिए हैं, प्रॉपर नाउन दिए हैं। अब उन नाउन्स का आपको एक और प्रॉपर नाउन लिखना है, यानी कि कॉमन नाउन का एक एक प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, सेकंड नेम आपको लिखना है। तो बिल्डिंग कॉमन नाउन है क्योंकि बिल्डिंग तो बहुत सारी हैं, अब प्रॉपर नाउन उसको नेम दे दिया विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये प्रॉपर नेम हो गया। दूसरा हम नेम दे देते हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा।
ये एक बिल्डिंग का नेम है, टेलीविजन सैमसंग, इन्होंने टेलीविजन का नेम दिया सैमसंग, हम यहाँ पर लिख देंगे सोनी, सोनी टेलीविजन। नेक्स्ट किंग, किंग का नेम दिया हुआ है अकबर, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट नोट कर देंगे शाहजहां। नेक्स्ट टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का नेम दिया हुआ है कॉलगेट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट। नेक्स्ट बॉय, बॉय का नेम दिया हुआ है प्रॉपर नाउन रमन, तो हम यहाँ पर इसका दूसरा नेम लिख देंगे राहुल, प्रॉपर नाउन हो गया। कार, कार कॉमन है, बहुत सारी कार होती हैं, इसका प्रॉपर नाउन दिया हुआ है स्कॉर्पियो, तो हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर नाउन दे देंगे बोलेरो। नेक्स्ट कंट्री, कंट्री का प्रॉपर नेम दिया हुआ है चाइना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट नेम इंडिया। गर्ल, गर्ल का नाम दिया हुआ है सारा, तो हम सेकंड प्रॉपर नेम लिख देते हैं करीना। नेक्स्ट बुक, बुक का प्रॉपर नेम दिया हुआ है बेड टाइम स्टोरीज, तो हम यहाँ पर बुक का नाम लिख देंगे दी गाइड, ये एक बुक का नेम है। नेक्स्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओशियन का नाम दिया हुआ है प्रॉपर नाउन पैसिफिक ओशियन, हम यहाँ पर लिख देते हैं अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। क्लियर। नेक्स्ट राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन लिखना है, यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या है उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट ए कलेक्शन ऑफ की, की के कलेक्शन को क्या बोलते हैं बंच, बी यू एन सी एच। ए कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, स्टोन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हीप, एच ई ए पी हीप। कलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं कैबिनेट, सी ए बी आई एन ई टी। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के कलेक्शन को बोलते हैं बैंड, बी ए एन डी बैंड। कलेक्शन ऑफ टूल्स, टूल्स के कलेक्शन को बोलते हैं सेट, एस ई टी सेट। कलेक्शन ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज के कलेक्शन को बोलते हैं स्वार्म, एच डब्ल्यू ए आर एम। कलेक्शन ऑफ ट्रेवल्स, ट्रेवलर्स के कलेक्शन को बोलते हैं कारावान, सी ए आर ए वी ए एन। कलेक्शन ऑफ लॉइंस, लॉइंस के कलेक्शन को बोलते हैं हॉट, एच ई आर डी। क्लियर। नेक्स्ट हेयर आर सम वर्ड्स एसोसिएटेड विद अ स्टूडेंट, टिक द वर्ड विच आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड क्रॉस द वंस विच आर कॉमन नाउन। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जो वर्ड कॉमन नाउन है उस पर क्रॉस करना है और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उस पर टिक करना है। जैसे स्कूल बैग, बुक, हिंदी ड्रेस, ये सब यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, आपको देखने कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे स्कूल बैग, स्कूल बैग कॉमन नाउन हो गया, तो इस पर हम रॉन्ग कर देंगे। बुक, बुक बुक कॉमन नाउन है क्योंकि हमारे पास इसका नेम नहीं है, कैसी है ये भी नहीं पता है, तो बुक पर रॉन्ग कर देंगे। इसी तरीके से बाकी की एक्सरसाइज ये आपको अपने आप टिक करने हैं, जो कॉमन नाउन होगा उस पर क्रॉस करना है और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उस पर टिक करना है। सो योर चैप्टर नंबर 3 इज कम्प्लीट, डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक।